दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल विजडम्स। ये दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे टैक्स के पेपर की। टैक्स के पेपर में जो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, इन सारे के सारे पॉइंट्स को आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि सारे के सारे यही पॉइंट्स आएंगे, बट यस इसके बेसिस पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आने के चांसेस होते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको आईसीए की बुक से ही बताने जा रहा हूँ। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स अगर आप चाहें तो आज ही इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इनकेस अगर आप रिवाइज ना कर पाएं, इनकेस अगर आप लिख ना पाएं, तो एक बार आप पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर्स की, चैप्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये बेसिक, सबसे पहले बेसिक्स, देन उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस, देन यहाँ पे हेड्स ऑफ इनकम। में हेड्स ऑफ इनकम में चारों पाँचों के पाँचों जो हेड्स हैं, बीजीपीपी है, सीजी है मीन्स कैपिटल गेन, देन यहाँ पे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, देन यहाँ पे अदर सोर्सेस। इन सारे के सारे चैप्टर्स को आप जरूर करना है। यहाँ पे डिडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं, इन सारे के सारे चैप्टर्स को आपको जरूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। बट अब इसमें से क्या करना है, इसमें से ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रॉम आईसीआई बुक, जो कि आपको करना है, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी की सारी चीज़ों को करना। तो यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले ये है आईसीआई वेबसाइट, और आई थिंक कि आपको पता होगा किस तरीके से आपको जाना है। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यू में अगर आप चाहें तो आईसीआई वेबसाइट पे ऑलरेडी एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से भी जा सकते हैं। अदरवाइज मैंने प्रीवियस जो एमसीक्यू का पेपर था, लॉ का पेपर था, उसमें एक मैंने वेबसाइट यहाँ पे जो भी स्टूडेंट थे उनको मैंने सजेस्ट करा था, काफ़ी अच्छे फीडबैक उन लोगों के आए थे। तो अगर आप चाहें तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं, edsgm.com ये वेबसाइट है। और इसमें जैसे आप लॉगिन करेंगे, या तो मोबाइल फ़ोन के थ्रू अगर आप चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं, और अदरवाइज चाहें तो गूगल के थ्रू भी, आप गूगल अकाउंट के थ्रू भी आप चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ सी ए इंटरमीडिएट जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये रहा डायरेक्ट टैक्सेशन। इसमें चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, तो चैप्टर वाइज भी इसमें अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के ही एमसीक्यूज अवेलेबल हैं। सो इफ़ यू विश यू कैन ट्राई दिस वेबसाइट, और इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। बाकी हम चलते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर यह चैप्टर नंबर वन, और चैप्टर नंबर वन में आपको जाना है पेज नंबर 1.51 पे। तो मैं आपको फटाफट से लेकर चलता हूँ 1.51 पेज नंबर, यहाँ पे ये रहा 24, और हम फटाफट चलते हैं पेज नंबर 1.54 सॉरी 51 पे। तो यहाँ पे अभी फिलहाल में हम आ चुके हैं 46, और इसके बाद यहाँ पे ये रहा 1.51। इसमें आपको मिल जाएगा एलिस्ट्रेशन नंबर 4, यहाँ पे ये रहा एलिस्ट्रेशन नंबर 4। अब ऐसा जो क्वेश्चन है एलिस्ट्रेशन नंबर 4 वाले, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो इसको आप करिएगा, इसमें एक तरीके से कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। इन केस अगर आप इसको कर ना पाएं, तो एक बार आप इसको पॉइंट्स को जरूर ध्यान में दे करके और इसको पढ़ लीजिएगा। जो भी पॉइंट्स, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ अभी, तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तो इन केस अगर आप चाहें तो इसको आज भी, जैसे एग्जाम्स खत्म हो गए तो आज भी इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहें तो इसको मॉर्निंग में तो बिल्कुल आप रिवाइज कर ही लीजिए। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड 5 आप जरूर कर लीजिएगा, इसके नीचे आपको 5 मिल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो कंप्लीट अगर आपको चैप्टर रिवाइज करना है, तो यहाँ पे बहुत एक अच्छी चीज़ है रिवीजन के लिए 1.57 पे। अब ये जो रिवीजन के लिए चीज़ें हैं, एक चैप्टर को कंप्लीट रिवीजन के लिए शॉर्ट के तरीके से बनाना, तो हर एक चैप्टर में आपको दिखेगा इस बुक में, आईसीए की बुक में। तो 1.57 पे इसको आप चाहें तो रिवाइज भी कर सकते हैं, एक बार इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद टेस्ट ऑफ नॉलेज इसके नीचे आपको आ जाता है, तो अगर आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ नॉलेज में फिलहाल में इसमें दो क्वेश्चन हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि व्हाट इज एन एसएससी। अब एसएससी कौन होता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, पहले भी आ चुका है। तो ये 2 नंबर में, नॉर्मली 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता है आईसीआई, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे यह है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे यह है चैप्टर नंबर 2, रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इसमें आपको जाना है पेज नंबर 2.31 पे। तो फटाफट से हम चलते हैं पेज नंबर 2.31 पे। तो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ स्क्रॉल, और अभी हम 2.1 पे हैं, हम चलते हैं 3.1 पे। तो ये है पेज नंबर 2.31। ये जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन में इसमें से जो पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। नॉर्मली 6 से 8 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं। इस क्वेश्चन को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, तो इसमें से हो सकता है कि शायद कुछ पॉइंट्स आपको लिखने को आ जाएं, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें जो रिवाइज करने के लिए है, तो रिवाइज करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.34 पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो टेस्ट ऑफ नॉलेज है, तो टेस्ट ऑफ नॉलेज में भी इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। आई थिंक कि टोटल इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस बड़े अच्छे ही क्वेश्चन हैं। इन सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार आप देख लीजिएगा। हम चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट चैप्टर पे।
यह है चैप्टर नंबर थ्री, और चैप्टर नंबर थ्री में आपको जाना है 3.32 पे। हम चलते हैं 3.32 पे, तो फटाफट से मैं आपको लेके चलता हूँ 3.32 पे। अभी हम फिलहाल में पेज नंबर है 3.14 पे, हम चलते हैं 3.32 पे। तो यहाँ पे ये रहा 3.36, और इसके ऊपर हम आ चुके हैं यहाँ पे 3.33, यहाँ पे ये है 3.32। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 7। ऐसे क्वेश्चन भी ऑलरेडी कई बार आ रखे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में 5 नंबर में क्वेश्चन कभी बार पूछ दिया करता है, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप जरूर कर लीजिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 हो गया, और इसके बाद इसमें चीज़ें रिवाइज करने के लिए आप देखेंगे, तो इसके बाद आपको टेस्ट नॉलेज और रिविजन करने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी। सो यहाँ पर यह टेस्ट नॉलेज इसको कर लीजिएगा, इसमें लगभग आपको आई थिंक कि 5 या 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टोटल इसमें आपको 5 क्वेश्चन हैं, और 5th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th क्वेश्चन आप जरूर एक बार कर लीजिएगा। सो इतने सारे क्वेश्चन हैं, लगभग हर एक चैप्टर में से 2 या 3 ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो कि करना है, एक बार आप उसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। नाउ इसके बाद हम बात करें चैप्टर नंबर 4 जो कि हेड्स ऑफ इनकम। सो हेड्स ऑफ इनकम में आपको जाना है इलस्ट्रेशन नंबर 19 जो कि है 4.78। तो 4.78 पे हम चलते हैं। अब यहाँ पे मैं इधर इसलिए देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एक कॉपी रख रखी है, सब कुछ नोट करके मैंने सब कुछ पहले नोट किया कि कौन से क्वेश्चन आप लोगों के लिए अच्छे होंगे, नोट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रख करके और देख रहा हूँ, उसके बाद मैं चीज़ यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। तो हम चलते हैं पेज नंबर 4.78 पे। तो यहाँ पे यह है पेज नंबर 4.78, और इसमें आपको मिल जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर 19। इलस्ट्रेशन 19 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एक बार आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको 20 भी करना है, इसके बाद ही आपको मिल जाएगा 20। सो 20 भी आपको करना है, 20 आप जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद 20 इलस्ट्रेशन नंबर 24.82 पे, देन रिवीजन जो है आपको मिल जाएगा 4.96 पे, 4.96 पेज नंबर पे। जो भी चीज़ें हैं सब कुछ आप एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। सो रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा चैप्टर, सारा का सारा ये चैप्टर आपका एक बार कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। तो रिवीजन करने के बाद आप इसके बाद सॉरी 96 पे आपको मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए, 4.96 पे। तो यहाँ पे ये यह है, लेट अस रिकैपुलेट। अब इसके बाद जो आपको टेस्ट ऑफ नॉलेज है, टेस्ट ऑफ नॉलेज आपको मिल जाएगा पेज नंबर 4.107 पे, तो इसको भी आप कर लीजिएगा क्योंकि इसमें लगभग 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। नाउ इसके बाद हम बात करें जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया एक चैप्टर है, और इसमें से आने के चांसेस भी क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम पहले बात करें हाउस प्रॉपर्टी में, इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज नंबर ये है 4.140, 4.140 यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लगभग पहुँच चुके हैं, और आपका ये रहा 4.140, और यहाँ पे ये है इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन 8 आप ज़रूर कर लीजिएगा, इसमें 3 हाउसेस के लिए है, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 एंड हाउस नंबर 3, 3 हाउसेस के लिए है। बहुत बढ़िया चैप्टर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार कर लीजिएगा। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आपके रिवाइज हो जाएंगे। अब जैसे कि 1 हाउस प्रॉपर्टी एक ही हाउस है, तो अगर आपको चैप्टर पूरा आता है और आपने ये क्वेश्चन कर लिया, तो आई थिंक कि इसके पहले के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकेस अगर आपने केवल बस देख लिया उसको, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 एंड हाउस नंबर 3 इसको आप कर लीजिएगा। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपको मिल जाएगा इसके नेक्स्ट वाले पेज पे। तो यहाँ पे मैं आपको इलस्ट्रेशन 9 दिखाता हूँ, इलस्ट्रेशन 9 है 4.2 पे, 4.2 पे यहाँ पे ये रहा इलस्ट्रेशन 9, तो इसको भी एक बार आप कर लीजिएगा। और इसके बाद रिवीजन करना है, रिवीजन करने के बाद जो टेस्ट नॉलेज है इसमें लगभग 5 क्वेश्चंस हैं, तो टेस्ट नॉलेज में भी है 5 क्वेश्चंस, इस सारे के सारे क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा। बाद में हम बात करते हैं इसके बाद यूनिट 3 की जो कि है पीजीबीपी। पीजीबीपी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कभी कभार इसमें से 15 से 20 नंबर के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो इसको एकदम ध्यान से बढ़िया से इसको आप एक बार रिवाइज करिएगा, अच्छे से इसकी पढ़ाई आपको करनी है। तो हम बात करें इसमें से क्वेश्चंस कौन कौन से आपको करने हैं, तो यहाँ पे मेनली 4 क्वेश्चंस हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसको आपको करना है। 4.218 पे हम चलते हैं, यहाँ पे ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 6, इसको कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 6, और इसके कॉन्सेप्ट भी आपके काफ़ी रिविजन के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्ट रिविजन के लिए। इसके बाद आपको जाना है इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो कि इसी पेज पे 4.220, तो इलस्ट्रेशन 7 आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपको जाना है इलस्ट्रेशन नंबर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 14 जो कि आपको मिल जाएगा 4.278 पे, 4.278। तो 50 पेजेस लगभग आपको और यहाँ से आगे चलना है, तो हम चलते हैं 50 पेजेस के आसपास में और आगे 78 पे हम हैं अभी, 47 पे। तो सर ये रहा पेज नंबर 4.278, और इसमें ये रहा एग्जाम्पल नंबर 18, ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो इसको कर लीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 16, तो इलस्ट्रेशन 16 में आपको करना है ये इलस्ट्रेशन, ये भी बहुत एक अच्छा इलस्ट्रेशन है। तो फिलहाल में इसमें लगभग 4 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं,
और इसको पेज नंबर 4.286 पे आपको रिवीजन के लिए मिल जाएगा, और इसके बाद आपको मिल जाएगा बाकी टेस्ट नॉलेज के लिए। तो टेस्ट नॉलेज आपको मिल जाएंगे लगभग 10 क्वेश्चंस, और सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। ये चैप्टर पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है पीजीबीपी, तो इसको तो जितना आप हो सके उतनी बार आप चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं। एज मच एज पॉसिबल क्वेश्चंस आप कर लीजिए। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल गेन्स की। तो कैपिटल गेन्स में आपको सबसे पहले जाना है इलस्ट्रेशन नंबर 10, जो कि है 4.383। तो 4.383 पे हम चलते हैं। ये रहा पेज नंबर 4.383, और यहाँ पे ये है इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो इलस्ट्रेशन 10 आप कर लीजिएगा, और इलस्ट्रेशन 10 करने के बाद आपको जाना है 4.387। तो हम चलते हैं 387, और 387 में आपको करना है इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन नंबर 11। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ज़रूर कर लीजिएगा, और इसके बाद रिवीजन के लिए बिल्कुल आपको 4.1414 पे आपको मिल जाएगा। और इसके बाद टेस्ट नॉलेज आपको मिल जाएगा, इसमें लगभग 7 क्वेश्चंस हैं टेस्ट नॉलेज में। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप एक बार ज़रूर कर लीजिएगा टेस्ट नॉलेज में। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पे ये है अदर सोर्सेज का, और इसमें आपको करना है इलस्ट्रेशन 2, जो कि है पेज नंबर 4.464। तो यहाँ पे हम चलते हैं 464 पे। तो हम देखते हैं फिलहाल में कौन से पेज पे हैं, तो हम चलते हैं 464 पे, और इसके बाद का ये है 464। तो यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन नंबर 2, तो इलस्ट्रेशन 2 आप कर लीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन 3, जो कि है जस्ट नेक्स्ट पेज पे, इसको भी आप कर लीजिएगा 65 इलस्ट्रेशन 3। और इसके बाद 667 पे आपको मिल जाएगा इलस्ट्रेशन 4। तो इलस्ट्रेशन 4 ये तीनों इलस्ट्रेशन लाइन से हैं, तो इसको आप कर लीजिएगा। रिवीजन बिल्कुल आपको करना है, और इसके बाद टेस्ट नॉलेज आपको जो मिलेगा, तो इसमें आपको लगभग 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चंस, पांचों के पांचों क्वेश्चंस आप जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं। बाकी हम बात करें इसके बाद के चैप्टर चैप्टर नंबर 7 की, जिसमें ये है डिडक्शन का चैप्टर, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें आपको जाना है सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 12 में, जो कि है 7.42 पेज नंबर पे। तो हम चलते हैं पेज नंबर 7.42। तो फटाफट से एक बार मैं स्क्रॉल करता हूँ और लेके चलता हूँ आपको 7.42 पे। तो ये है 7.42, और इसमें ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 12। तो इसको आप एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। इलस्ट्रेशन 12 के बाद आपको करना है 13, जो कि आपको 48 पे मिल जाएगा। तो 48 पे आपको जाना है, और यहाँ पे करना है आई थिंक ये रहा 48 इसके पहले, तो हियर इज़ 49 एंड 48। तो यहाँ पे ये रहा 48, और इसमें इलस्ट्रेशन 13 आपको करना है। 13 के बाद आपको 64 पे जाना है, 7.64 पे, और इसमें आपको मिल जाएगा इलस्ट्रेशन 18। तो हम चलते हैं 64 पे, ये रहा 63, और इसके बाद ये रहा 64। तो 64 पे आपको मिल जाएगा इलस्ट्रेशन 18, तो इसको भी आपको कर लेना है। बाकी रिवीजन आपको जैसे पता है कि 7.68 रिवीजन भी आपको करना है चैप्टर का, और इसके बाद आपको करना है टेस्ट नॉलेज, जिसमें कि मिलेंगे आपको 5 क्वेश्चंस, और सारे के सारे क्वेश्चंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ थी चीज़ें जो कि आपको करना है, बिल्कुल आपको करना है। और इसको अगर आप चाहें तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं, तो इसको 2 बार आप कर सकते हैं, 2 बार इसकी रिवीजन कर सकते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो फिलहाल में दोस्तों ये है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि एक बार आप जरूर रिवाइज करिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, एंड मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।